हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के Q2 रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस कंपनी से रिलेटेड एक और बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको भी यहाँ पे हम लोग आगे बताने वाले हैं। वैसे अगर आज के परफॉर्मेंस की बातें करें तो मार्केट में आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करीब 3% से ज़्यादा का गिरावट आप लोगों को इस कंपनी में भी यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। एंड आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा दोस्तों कि यह कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो क्या इसका परफॉर्मेंस कैसा है, किस जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं या नहीं, इसको भी यहाँ पे देखना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि हाल ही में कंपनी आई है तो आंख बंद करके इन्वेस्ट करना हम बेवकूफ़ी वाला चीज़ें होता है, तो यहाँ पर हम लोग इनके रिजल्ट के हिसाब से ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग रिजल्ट के ऊपर है, एंड आप देख सकते हैं कि जितने भी फिगर्स हैं वो रुपीस इन मिलियंस में हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। एंड सीक्वेंस यहाँ पे सेम है, मतलब इस बार का डाटा, जून क्वार्टर का डाटा एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का डाटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग टोटल इनकम की बातें करें तो इस बार का जो टोटल इनकम है दोस्तों 1617 हम लोगों को देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर 1528, लास्ट ईयर 1478 यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बार का जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे हम लोगों को इसमें जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, शानदार बात है, गजब की बात यहाँ पे हम लोगों को पहले ही पॉइंट में यहाँ पे देखने को मिला है। अभी आते हैं एक्सपेंसेस वाले चीज़ों पे, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, इस बार का हम लोगों को 905 हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 807, लास्ट ईयर की बातें करें तो 740, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो भी हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को ही मिल रहा है, जो कि नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे हुए हैं, देखिए इस बार यहाँ पे रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन मटेरियल्स देखिए लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे जो उसके खर्चे हैं वो यहाँ पे कम लग रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये दूसरी यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखने को मिल जा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर यहाँ पर हम लोग बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 712 इस बार का हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वार्टर 720 एंड लास्ट ईयर 737 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये प्योर प्रॉफिट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो मतलब यहाँ पे इस बार का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे हम लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये एक हम लोगों के लिए निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड अभी आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के ऊपर, मतलब इस बार का जो प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सभी तरह के टैक्स हटाने के बाद जो प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को इस लाइन में देखने को मिला है, उसको मैं यहाँ पे जूम करना पसंद करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देखिए इस बार का जो प्रॉफिट है दोस्तों, ओवरऑल 535, लास्ट क्वार्टर 546, लास्ट ईयर 542। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए क्वार्टरली बेसिस एंड ईयरली बेसिस दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे इस बार का जो प्रॉफिट है दोस्तों वो हम लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब एक खतरे की घंटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। लेकिन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते कि फ्लैट टाइप का ही हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे मार्केट है, तो मार्केट इसका रिस्पांस हमारे मेरे हिसाब से कल आप लोगों को इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, इसकी पूरी यहाँ पे उम्मीद है। क्योंकि अभी तक इस तरह के रिजल्ट जिन भी कंपनियों ने यहाँ पे दिखाए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कल इस कंपनी में आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए, इसमें आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए ओवरऑल इनके रिजल्ट की बातें करें तो वो हम लोगों को ख़राब देखने को मिल रहा है, ऐसा भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल के चल सकते हैं। देन ईपीएस की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो ईपीएस आप देख सकते हैं कि सेम प्रॉफिट के हिसाब से 5.14 लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर 5.11, मतलब सेम प्रॉफिट के हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे शायद तो ये लाइन से बाहर है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि सेम प्रॉफिट के हिसाब से ही यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें ईपीएस भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे इनके जो रिजल्ट है वो हम लोगों को अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम लोग एक रिस्क को भी आप लोगों को बताने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीधा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, जहाँ पे हमने क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही ओपन किया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक बॉक्स खुला, इसमें आप देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 78% यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेबी का रूल है 75% का, मतलब जो 75:25 का मतलब जो प्रमोटर्स है दोस्तों वो 75 से अधिक यहाँ पे अपनी होल्डिंग नहीं रह सकते हैं। अगर वहाँ पे रखते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे OFS लेकर के इनको आना पड़ेगा। एंड आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि डिस्काउंट प्राइस में देखने को मिलता है, तो यह एक खतरा यहां पे हम लोगों को यह भी यहां पे देखने को मिल जा रहा है। तो दोनों ही चीजों को अगर यहां पे मिला करके देखा जाए दोस्तों, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी से अगर आप लोग थोड़ी दूरी बना करके भी रखते हैं तो भी यहां पे कोई भी बात नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि यह कंपनी 23 जुलाई को यहां पे लिस्ट हुई थी, ठीक है। तो यहां पे 3 साल के अंदर मतलब 22 जुलाई 2024 तक यह कंपनी मतलब यहां पे कभी भी OFS लेकर के आ सकती है। तो उसके लिए अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को यहां पे तैयार रहना चाहिए। एंड कल इसमें आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी पूरी पूरी यहां पे चांसेस है। सो देखा जाए तो इनके रिजल्ट्स रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।